नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत। काफ़ी समय से कुछ लोग की डिमांड थी कि कुछ ऐसा मैं कराऊं जिससे हम अपने कर्मों से मुक्त हो सकें, अपने पापों से मुक्त हो सकें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मेरे को आया कि क्यों ना मैं आपको पाप नाशनी क्रिया कराऊं। ये हमारे सनातन विजडम का एक बहुत ही विशेष क्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में अपने संचित कर्मों से मुक्त होना शुरू हो सकते हैं और बहुत सारे पापों का शमन कर सकते हैं। ये ध्यान कार्यक्रम में बहुत जल्दी मैं आपके लिए शुरू कर रहा हूँ। आप सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भाग लीजिए। इसके बारे में मैं जितना भी बोलूँ कमी है, क्योंकि ये ध्यान की एक ऐसी उच्च क्रिया है और बहुत सरल है जो हर कोई व्यक्ति आसानी से इसे कर सकता है, भले उसने ज़िंदगी में कभी भी ध्यान न किया, भले उसने कुछ भी योगाभ्यास न किया हो। आप इस क्रिया के माध्यम से अपने जीवन में अपने हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने विकारों से भी मुक्त हो सकते हैं, अपने नकारात्मक संस्कारों से भी मुक्त हो सकते हैं और एक बहुत मेंटल पीस को, एक हेल्दी और वेल्दी हेल्थ को आप फील कर सकते हैं और आप देखोगे कि आपके जीवन में एक अलग ही लेवल की आध्यात्मिक उन्नति शुरू हो गई। ये क्रिया ऋषि मुनियों के द्वारा हमारे समाज में आई और बहुत शोध के बाद, अगर मैं बात करूं क्योंकि मैं कम्युनिकेट कर सकता हूं, तो बहुत शोध के बाद करोड़ों लोगों पे आजमाई हुई है। करोड़ों लोग में आप सोचेंगे कि अभी कहाँ करोड़ों लोग कहाँ से आ गए। मैं उन ऋषियों की बात कर रहा हूं जिन्होंने इस क्रियाओं को समाज में लेकर के आए, जनमानस के बीच लेकर के आए। और इन क्रियाओं के माध्यम से आप देखोगे कि आपका जो ऊर्जा का स्तर है वो कई गुना बढ़ता चला जाएगा, आपके कार्मिक दोष खत्म होने शुरू हो जाएंगे और उन कार्मिक दोषों का जो प्रभाव है वो भी खत्म होना शुरू हो जाएगा और आप अपने आप को ब्लेस्ड फील करेंगे। अभी जैसा सिनारियो पूरे ब्रह्मांड में चल रहा है, समाज में चल रहा है कि एक नकारात्मकता का बोलबाला है, बिना किसी बात के लोगों को गुस्सा आ रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये आप देख ही रहे होंगे, मनमुटाव हो रहे हैं, किसी बात का कोई गलत मतलब समझ रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि सामने वाला गलत है या आप गलत हो या वो सही है आप से नहीं सही है। ये इस ब्रह्मांड में व्याप्त इस समय क्योंकि एक बहुत ही बड़ा युद्ध एस्ट्रल वर्ल्ड में चल रहा है और वो जो उससे नकारात्मकता उत्पन्न हो रही है उसका प्रभाव हर मनुष्य के ऊपर आ रहा है और इसी कारण वो बड़ा स्ट्रेस्ड है और चारों ओर एक वैसा ही माहौल क्रिएट होना लाजमी है बार बार। तो ऐसे स्थिति में जब आप इन क्रियाओं को करोगे, स्पेशली इसीलिए मैं ये साधना आपको करा रहा हूँ ताकि आप उन नकारात्मकता से बाहर आ सको और अपने आप को ब्लेस्ड फील कर सको, आप स्वयं वो प्रकाश हो सको ताकि बाहर के अंधकार आपको छू ना पाए। तो आप सभी का स्वागत है इस क्रिया में, इस साधना में, और ये मैंने जन कल्याण के लिए, जनमानस के लिए ओपन रखा है। हर कोई व्यक्ति इसको ज्वाइन कर सकता है और ये फ्री रखा है इसलिए ताकि आप अपना जीवन धन्य कर सकें। जैसा कि आप सबको पता है कि मेरा एक मिशन है हर घर ध्यान, हर घर खुशियाँ, और मैं भारत को दोबारा उस विश्व गुरु के पद पर ले जाने के लिए अग्रसर हूँ ताकि हम पूरे संसार का नेतृत्व कर सकें। नेतृत्व में भाव राजा बनने का नहीं, नेतृत्व में भाव एक गार्जियन का है जो हर किसी के हाथ पकड़ के उस आध्यात्मिकता के शिखर पर लेकर के जाए, हर किसी के संसार में आने का उद्देश्य पूर्ण हो, हर कोई अपने संसार में आया तो अपने स्वास्थ्य संपन्नता ऐश्वर्य को अनुभव कर सके और फिर अपने मूल उद्देश्य उस परम शांति की ओर भी आगे बढ़ सके। तो आप सबका कल्याण हो, आप सभी का स्वागत है। ज्यादा से ज्यादा अपने सभी मित्रों और रिश्तेदारों और सोशल मीडिया पे इसको जरूर पोस्ट करिए और फोर्स करके उन लोगों को रजिस्टर कराइए कि ये फ्री इवेंट है, आपके कल्याण के लिए है, करके देखो इसको, जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यही आपसे अपेक्षा है, आशा है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ अपने भारत के लिए, अपने लोगों के लिए, वो आप सहयोग जरूर करें। आप सबका कल्याण। ओम नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत।